नवाकपुर शास्त्री वार्ड में विगत 3 दिनों से विद्युत लाइन बंद, वार्डवासी अंधेरे में रहने को मजबूर। सुहागपुर के शास्त्री वार्ड में विगत 3 दिनों से विद्युत लाइन बंद है। हालांकि बिजली विभाग और कंपनी के कर्मचारी सुधारने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वार्डवासियों का कहना कि शास्त्री वार्ड की विद्युत लाइन विगत 7-8 महीने से ऐसे ही अव्यवस्थित रूप से चल रही। कभी भी लाइन फॉल्ट हो जाना या आग लग जाना सामान्य बात हो चुकी है। हालांकि संबंधित विषय की शिकायत विद्युत विभाग में कई बार जा चुकी। वर्तमान में विद्युत सप्लाई बंद होने के कारण पानी और अन्य व्यवस्था भी बंद हो चुकी है। संबंधित विषय पर हमने विद्युत विभाग के नवागत जूनियर इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बताया लाइन फॉल्ट को की गई है और शायद इसे बदलना पड़ सकता है, लेकिन इसे अभी सुधारने की कोशिश हो रही है। हमने भी जूनियर इंजीनियर के साथ भ्रमण किया तो देखा विद्युत विभाग की कई केवल जुगाड़ के भरोसे चल रही। यदि देखा जाए तो विद्युत विभाग समस्या के समाधान की अपेक्षा जुगाड़ करने में लगा है। केवल बदलने की आती है बात तो विद्युत विभाग के पास अभी केबल उपलब्ध नहीं है और केबल बदलने में लगभग 1 माह का समय लग सकता है। जूनियर इंजीनियर से बात करने पर हमें पता लगा कि हमने डिविजनल ऑफिसर से भी संबंधित विषय पर बात की तो उन्होंने बताया कि केबल के लिए हमने एस्टीमेट बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचा दिया, लेकिन केबल हमें अब कब तक मिलेगी इसका निश्चित समय अब तक नहीं पता। तो क्या अब शास्त्री वार्ड के वार्डवासी विद्युत सप्लाई का इंतजार करते रहेंगे? यदि हाँ तो कब तक? विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से विद्युत के सुधर जाने को कर जवाब नहीं दिए जाएंगे। विगत 2 दिनों से लाइट खराब है, क्या समस्या आई और कब से ऐसी समस्याएं बन रही हैं? चलिए, सबसे पहले तो नमस्कार आपको कि आपने कम से कम 2 दिनों के बाद संज्ञान में ये मीडिया के माध्यम से आप जानकारी ला रहे हैं। लाड़सपुरा और शास्त्री वार्ड जो क्षेत्र है यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर से लगभग यहाँ नहर तक सप्लाई दी गई और बीच में जो केबल है ये फॉल्ट होना कोई नई बात नहीं है। हाँ। केबल फॉल्ट होते रहती, उपकरण फॉल्ट होते रहते। पिछले नवरात्रि में भी नवरात्रि के समय फॉल्ट हुई थी। हाँ। और नवरात्रि के समय जो फॉल्ट हुई थी लगभग 48 घंटे लाइट बंद रही थी। हाँ। फिर सब काफ़ी जई साहब का सहयोग रहा, लाइनमैन का सहयोग रहा, उन्होंने सरस्वती स्कूल के वहाँ पर आके फॉल्ट सुधारा जब हमको लाइट मिली। लेकिन स्थिति ये है अभी कि अभी जैसे लाइट सुधर जाएगी अब कितने दिन चलेगी किसी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आप यहाँ तक देखेंगे किस जर्जर अवस्था में जो लाइन डली हुई है। हाँ। हमारा विभाग से ये निवेदन है इसको दुरुस्त कर दे, क्योंकि हम लोग समय पर सब बिल दे रहे हैं। हाँ। तो हमारा फर्ज है, हमको मतलब विभाग का फर्ज है कि हमको बेहतर सेवाएं प्रदान करें। हाँ। हमारा निजी किसी से कोई मतलब नहीं, व्यवस्थाएं जो हैं अगर देखा जाए तो लाइट की व्यवस्था ऐसी है कि जो हमेशा खराब होते रहती है, हमेशा खराब होती लाइट। तो शिकायत करते हैं आप इसकी? बिल्कुल होते, लिखित शिकायत हुई है नवरात्रि में भी, हम लोगों ने लिखित में शिकायत दी, विद्युत विभाग द्वारा आवेदन रखे हैं, लेकिन विभाग पर जब हम देने जाते तो उनका ये कहना है ये कार्रवाई चल रही है, आपकी विद्युत व्यवस्था जल्दी चालू हो जाएगी, लेकिन पर्याप्त रूप से नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं देता। 7 महीने से लगभग ऐसी टूटी फूटी व्यवस्थाओं में उसी चल रही है। अभी आप देख सकते हैं कई जगह लगभग 7-8 जगह ज्वाइंट है। हम विभाग से निवेदन करेंगे इसको स्थायी समाधान करें। अब चूंकि कर्मचारियों का बहुत अच्छा सहयोग है, 24 घंटे 48 घंटे होगा काम कर रहे हैं, विद्युत विभाग के बधाई के पात्र, लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे जब तक उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। हम ये चाहेंगे कि स्थायी रूप से इसका इलाज हो जाए, उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली मिले जिससे विभाग का भी रेवेन्यू मिलेगा। ठीक, इतना निवेदन, धन्यवाद। खबर भारत वर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।